तो बच्चों सेल के बारे में अपन पढ़ रहे थे, ठीक है। पोटेंशियोमीटर जो है, पोटेंशियोमीटर के चल रहा था अपने। तो पोटेंशियोमीटर की तीन एप्लीकेशन थी और एक एप्लीकेशन अपने पढ़ी थी पोटेंशियोमीटर की, ठीक है, कि किसी सेल का ईएमएफ फाइंड करना, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स। तो दो सेल लेंगे और उनके बच्चों EMF की क्या करेंगे अपन, कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो ये सेकंड एप्लीकेशन है इसके बच्चों। ये फर्स्ट एप्लीकेशन अपन पढ़ चुके थे, ठीक है ना, उसके न्यूमेरिकल भी अपन ने सॉल्व करे थे। तो देखो ये एक वी वोल्ट की बैटरी आपको गिवन है और ये वायर है अपने पास में, ये वाला, ये ए बी वायर है। और इस ए बी वायर की बच्चों जो लेंथ है मेरे पास में वो कितनी है, एल है। इस लेंथ कितनी है, एल। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव, एक सेल बच्चों मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ई वन। और बच्चों ये हो गया आर वन। एक की लगा दी मैंने यहाँ पर के वन, सिमिलरली, ठीक है। एक मैंने सेल यहाँ पर लगा दिया ए टू, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया बच्चों आर टू, और यहाँ पर मैंने एक की लगा दी बच्चों के टू, ठीक है। और ये गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है, और इस गैल्वेनोमीटर के जॉकी को मैंने यहाँ रखा हुआ है। तो पहले अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे बच्चों, इसमें फर्स्ट ये जो की है के वन, इसको तो बच्चों आप क्लोज कर दोगे, फर्स्ट के वन क्लोज एंड के टू ओपन, ठीक है। ये क्लोज है इसमें, इसमें देखो बच्चों मैंने क्लोज कर दिया इसको, ठीक है, यानी कि इसको मैं डायग्राम इसी में बनाता हूँ मैं, इसको मैंने क्लोज कर दिया, ये ओपन है। क्लोज की का मतलब स्विच, जो आपके घर में स्विच लगे हुए हैं ये वैसे स्विच हैं, तो इसको तो बच्चों मैंने क्लोज कर दिया। इसको क्लोज करने का मतलब ये वाला जो सेल है ये इससे कनेक्टेड हो गया, ये अभी कुछ काम का नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर की ओपन है। तो अपन क्या करेंगे, इस चौकी को नल पॉइंट लेके आएंगे, तो इस जॉकी को पकड़ेंगे और पकड़ के अपन, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ए से, और धीरे 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 मूव करेंगे। तो इसमें क्या आएगा, फ्लक्चुएशन आएगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी इसको मूव कराते कराते, मान लो ये सी पॉइंट आ गया अपने पास में, क्या पॉइंट आ गया सी, जब इसमें जो करंट है कितनी हो जाएगी, जीरो, यानी कि बच्चों ये क्या हो जाएगा, नल डिफ्लेक्शन, क्या हो जाएगा, नल डिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब जब ये नल डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, तो आपको पता है जो डेल्टा ए सी में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ए और सी में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चों, ई वन के, किसके इक्वल होगा, ई वन के। और डेल्टा ए सी देखो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, ये आपको मालूम है डेल्टा ए सी कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, कल वाला जो लेक्चर ऐसे बताया हुआ था कि वी बाई एल इंटू एल, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ई, ये क्वेश्चन फर्स्ट, ये मैंने आपको कल बताया था कि भाई एल लेंथ के लिए कितना होगा वी, तो याद है ना ये, ठीक है ना, कल आप पढ़ चुके हो भाई, एल लेंथ के लिए वी, तो ए के लिए कितना हो जाएगा वी बाई एल, तो एल वन लेंथ के लिए कितना हो जाएगा वी बाई एल इंटू एल वन। तो इसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गई फर्स्ट। अब उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन करूँगा, ठीक है, और इसको बच्चों मैं क्या कर दूँगा, क्लोज कर दूँगा, यानी कि अगर मान लो मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो डायग्राम ऐसे बनेगा, छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है, ये डायग्राम है इसका, और ये बच्चों आपके पास में देखो वायर हो गया, ये वायर हो गया ए बी, ये बैटरी हो जाएगी बच्चों कितने वोल्ट की, वी वोल्ट की, ये बैटरी होगी वी वोल्ट की, ये नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव से नेगेटिव, और ये बच्चों हो जाएगा अपने पास में आर वन, और ये बच्चों अपने पास में क्या हो जाएगा ई वन, बच्चों ये अपने पास में हो जाएगा ए टू, और बच्चों ये अपने पास में हो जाएगा आर टू, ये की के वन, और बच्चों ये वाली की कितनी हो जाएगी के टू, और इस बार जो आपने बंद करी है किसको बंद करा है आपने, इसको के टू को बंद करा है, ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं, नाव जो के टू जो है बच्चों वो क्लोज है, ठीक है, एंड के वन जो है बच्चों वो क्या है, ओपन है, के वन जो है बच्चों वो क्या है अपने पास में, ओपन है, ठीक है, रीडिंग वैसे ही रहेगी, ठीक है, रीडिंग अपने वैसे ही रहेगी। दानगना इसमें तो हमेशा करंट फ्लो होगी, ये प्राइमरी सर्किट है, प्राइमरी में हमेशा करंट फ्लो होती है, सेकेंडरी में करंट फ्लो नहीं कर रहे हैं अपन, तो ये तो प्राइमरी सर्किट है, इसमें तो करंट फ्लो होगी, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, और सेम कहानी वही रहेगी, सेम एक्सपेरिमेंट वैसे ही करना है आपको, ठीक है, यानी कि ये जॉकी है, जॉकी को पकड़ के ले जाओगे। अब आपने देखो ये वाली की बच्चों ओपन है, ये की ओपन है, तो ये जो सेल है ईवन ये से कनेक्ट होगा नहीं, और ये कनेक्टेड है, तो इसका जो पोटेंशियल है वो आपको मिलेगा, ठीक है,
तो अपन क्या करेंगे, इस की को पकड़ेंगे, इस की को पकड़ते हुए ए से मूव करेंगे और इसमें फ्लक्चुएशन होगा। ए कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पर ये करंट कितनी है, जीरो। करंट जीरो होने का मतलब कौन सा डिफ्लेक्शन हो गया, ये नल डिफ्लेक्शन हो गया। कैसा? नल डिफ्लेक्शन। और मैं कहता हूँ मान लो ये पॉइंट कितना है, डी है। ये पॉइंट बच्चों कितना है, डी। तो मैं क्या लिखूँगा, डेल्टा वी ए डी इज इक्वल टू ई टू, ठीक है, ई टू। और डेल्टा ए डी यानी ए और डी के बीच में पोटेंशियल कैसे निकालोगे, अगर मैं कहता हूँ बच्चों ये जो लेंथ है ये एल टू है, ये लेंथ कितनी है एल टू, और ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है एल वन। चाहो तो उसमें लिख लेना, फर्स्ट के वन क्लोज एंड के टू ओपन, और नल डिफ्लेक्शन जो है नल एल वन लेंथ एट नल डिफ्लेक्शन, ठीक है। और यहाँ पर अभी आप लिख लेना L2 लेंथ एट नल डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये डेल्टा A और D, अब देखो A और D के बीच में इस बार जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो किसके इक्वल होगा, E2 के, क्योंकि इस बार बच्चों आपने क्या करा है, E2 को कनेक्टेड करा है, क्योंकि इसकी की इस बार आपने क्या करी है ओपन क्लोज करके, ये क्लोज, ये देखो ये की क्या है, क्लोज है। तो ये की क्लोज है, इसका मतलब इसका जो पोटेंशियल है वो किसके इक्वल होगा, इसके। क्यों? क्योंकि दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो डेल्टा वी ए डी, डेल्टा वी ए डी इज इक्वल टू ई टू। अब ए डी कैसे निकालोगे, जैसे ये निकाला था वैसे वी अपॉन एल इंटू एल वन इज इक्वल टू बच्चों ई टू। ये सेकेंड समीकरण हो जाएगी, कौन सी समीकरण हो जाएगी, सेकेंड, ठीक है। यहाँ कर देता हूँ बच्चों, में आप क्या करो, फर्स्ट में सेकंड का क्या कर दो, डिवाइड कर दो। फर्स्ट में बच्चों सेकंड का डिवाइड करोगे तो V बाई एल से V बाई एल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा L1, ठीक है, ये कितना आ जाएगा L1, ठीक है, अपॉन L2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। तो ये आपके पास में फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। तो ये दो सेल के EMF की बच्चों क्या हो गई, कंपेरिजन हो गई। तो इस तरीके से आप दो सेल की EMF को क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। एक बार इसको क्लोज करो तो जो AC आएगा वो E1 के इक्वल होगा, एक बार इसको क्लोज करो तो जो AD आएगा, जो आपका AD आएगा वो किसके इक्वल होगा बच्चों, E2 के इक्वल होगा, ठीक है, नोट कर लें बच्चों इसको। नेक्स्ट देखो, टू डिटरमाइन, टू डिटरमाइन इंटरनल रजिस्टेंस, स्मॉल आर नाम दिया मैंने, टू डिटरमाइन इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ सेल। इस बार बच्चों आपको क्या करना है, सेल का एक इंटरनल रजिस्टेंस बच्चों क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो सेल का इंटरनल रजिस्टेंस देखो कैसे फाइंड करेंगे अपन, सेल का इंटरनल रजिस्टेंस, तो सर्किट मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये बैटरी गिवन है बच्चों आपको, ठीक है, और ये प्राइमरी सर्किट हो गया आपके पास में, ये जो पॉइंट है ये हो गया ए और ये पॉइंट बच्चों क्या हो गया, डी, ठीक है। ये प्राइमरी सर्किट हो गया, ये वी वोल्ट की बैटरी हो गई अपने पास में, नेगेटिव से नेगेटिव टर्मिनल जोड़ना है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, ये ऐसे, और यहाँ पर ये आर रेजिस्टेंस लगाया मैंने, आर बी है ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये यहाँ पर मैंने की लगा दी, और यहाँ बच्चों मैंने क्या लगा दिया, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर। और इसकी जो लेंथ है बच्चों वो कितनी है, एल है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको डिफ्लेक्टेड करवा दिया। तो सबसे पहले देखो बच्चों अपन क्या करेंगे, जो की जो है आपके पास में, की जो है के की, उसको बच्चों क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे। जब इसको ओपन रखेंगे तो ये सर्किट गया, ये सर्किट काम में नहीं आएगा, ठीक है। जब आपकी की ओपन है तो की ओपन है तो बच्चों ये वाला रेजिस्टेंस अपने काम में नहीं आएगा। अपन क्या करेंगे, वही काम करना है, ये सेल है ई का और ये रेजिस्टेंस है आर। अपन क्या करेंगे बच्चों, जोकी को पकड़ाएंगे, ठीक है ना, प्रैक्टिकल ऐसे होता है, देखो जोकी को पकड़ो और जोकी को पकड़ के इसके ऐसे मूव कराते हैं, जो इसके टच करते हैं, ये एक वायर है, ठीक है ना, इसमें ऐसे डिफ्लेक्शन आएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब इसमें डिफ्लेक्शन होना बंद हो जाएगा, यानी कि नीडल यूं हिलेगी नहीं, यानी कि उसमें करंट कितनी हो जाएगी, जीरो। और जैसे ही आपको जीरो पॉइंट मिल जाए, यानी कि मैं ये कहता हूँ कि ये सी पॉइंट है जहाँ पर इसमें करंट कितनी है, जीरो। करंट जीरो होने का मतलब जो नीडल है ना उसमें फ्लक्चुएशन बंद हो जाएगा, इसको अपन क्या बोलते हैं, नल डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, नल
डिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? नल डिफ्लेक्शन। और इस नल डिफ्लेक्शन में बच्चों क्या होगा कि आपके पास में जो डेल्टा ए सी जो है, यानी कि ए और सी के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप है बच्चों, वो किसके इक्वल है? ई के इक्वल है। किसके इक्वल है? ई के। क्यों? क्योंकि की देखो ओपन है, की क्या है? ओपन है। और आर बी का मतलब बच्चों, आर बी जो होता है उसका मतलब अपन बताऊंगा मैं भी आपको, ठीक है। तो ए और सी के बीच में ड्रॉप जो है वो ई के इक्वल हो गया। और मैं कहता हूँ कि ये जो आपको लेंथ मिली, ये लेंथ कितनी मिली? L1 बच्चों, ये लेंथ कितनी मिली? L1। तो ये कैसे निकालेंगे? V L इंटू L1 अपॉन इज इक्वल टू E, ये आ गया। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, जो K जो की है इसको बच्चों मैं क्या कर देता हूँ? क्लोज कर देता हूँ। इसको मैं लिख दिया, पहले की को ओपन रखा, तो L1 जो लेंथ है वो मिली एट नल डिफ्लेक्शन पर, एट नल डिफ्लेक्शन पर। और इस बार की को क्लोज कर दिया तो L2 लेंथ मिलेगी मेरे को। कौन सी लेंथ मिलेगी? L2 लेंथ एट नल डिफ्लेक्शन, एट नल डिफ्लेक्शन। तो डायग्राम दोबारा बना देता हूँ मैं, ठीक है। ये बैटरी, ठीक है, V वोल्ट की बैटरी हो गई बच्चों ये, और ये सर्किट है अपना। ये हो गया A B, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस हो गया इंटरनल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हो गया E, और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस मैंने लगाया है R, रेजिस्टेंस R लगा दिया है, आर भी बॉक्स का, या चाहते हैं पर बॉक्स बना दो, एक ही बात है। तो मैंने ये रेजिस्टेंस लगा दिया R का, और इस बार जो मैंने की है, इस की को बच्चों मैंने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। और मैंने क्या करा, इसको की को, ठीक है, अब जैसे देखो बच्चों मैं की को बंद करूंगा, जैसे मैं की को बंद करूंगा तो ये सर्किट देखो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? सर्किट कंप्लीट हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब सर्किट कंप्लीट होता है, क्लोज होता है, तो करंट फ्लो होगी। तो बच्चों इस बार इसमें करंट फ्लो होगी ऐसे, ठीक है, आई ऐसे करंट फ्लो होगी, ऐसे 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 करंट आपको पता है पॉजिटिव से किधर फ्लो होती है बच्चों? नेगेटिव, ठीक है ना, इसमें करंट फ्लो होगी। लेकिन ध्यान में रखना, अपन का अपना काम वही है, अपन जोकी को पकड़ेंगे, ए से मूव कराएंगे, और मूव कराते 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 ऐसे एक पॉइंट पर लेके आएंगे जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में बच्चों करंट कितनी हो? जीरो। तो अपन को क्या मिलेगा? नल डिफ्लेक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? नल डिफ्लेक्शन मिलेगा। और मैं कहता हूँ ये जो नल डिफ्लेक्शन मिला, ये कौन सी लेंथ पर मिला मेरे को? L2 लेंथ पर। कौन सी लेंथ पर बच्चों? L2 लेंथ पर। और ये कौन सा पॉइंट है? D पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है? D पॉइंट। तो इसमें देखो, इसमें मैं कैसे लिखूंगा इसमें, ठीक है, तो इसमें देखो अपन ऐसे लिखेंगे इसमें कि डेल्टा ए और डी, ये है डेल्टा वी ए और डी। तो ए और डी के बीच में जो ड्रॉप हो रहा है, ए और बी के बीच में तो जो ड्रॉप हो रहा है, कितना ड्रॉप हो रहा है ए और बी के बीच में? देखो ए और डी के बीच में जो ड्रॉप हो रहा है वो इसके पोटेंशियल के बराबर है, यानी कि ये वाला सर्किट है इसके टर्मिनल के बराबर है। अब इसका टर्मिनल देखो कैसे निकालोगे, इस सर्किट को थोड़ा दिए समझो, ये सर्किट देखो ऐसा है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है, और ये एक सर्किट हो गया अपने पास में आर, ये हो गया ई, और बच्चों ये कितना हो गया करंट आपके पास में जो है, करंट देखो आपके पास में ऐसे फ्लो हो रही है आई, ठीक है। तो इसको देखो, ये जो सेल है बच्चों, ये सेल चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बच्चों ये जो सेल है ये क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। ये वाला सेल क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव से करंट निकल रही है, नेगेटिव में जा रही है, तो सेल डिस्चार्ज हो रहा है। जब सेल डिस्चार्ज होता है तो उसका टीबीटी जो होता है, सेल का टीबीटी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों वो होता है ई माइनस आई आर, ई माइनस ई आर। तो इस पूरे सर्किट का जो टीबीटी होगा वो एडी के बराबर होगा, ठीक है, और एडी कितना होगा? V L इंटू एल टू। ये AD निकालना आता है ना, AD कैसे निकालते हैं भाई? L लेंथ के लिए कितना? V। A के लिए कितना? V बाई L। L2 लेंथ के लिए कितना? V बाई L इंटू एल टू। ऐसे निकालते हैं, पहले लेक्चर में आपने देखा था पोटेंशियोमीटर के, ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होना। तो ये हो जाएगा बच्चों अपने पास में E माइनस आई आर, ठीक है, E माइनस आई आर। तो TBT को अपन देखो यहीं सॉल्व कर देते हैं बच्चों। मैं यहाँ से करंट निकालता हूँ, करंट कैसे निकालूंगा? E, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन है ये, करंट बट नहीं रही है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये, तो ये हो गया। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ इसकी, मैं इसकी वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, ये वैल्यू देखो कितनी है ई, और यहाँ पर बच्चों क्या आएगा? ये
आर, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आर प्लस आर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसको यहाँ तक नोट करो। समझ में आ गया बताओ ये? ठीक है, अब अपन इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ पर सोल्व कर लेता हूँ मैं इसको यहाँ पर, ताकि कैलकुलेशन लंबी नहीं हो। तो यहाँ पर जो मेरा TPT आएगा, टर्मिनल पोटेंशियल, LCM कितना आएगा, स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ये हो जाएगा बच्चों ER प्लस ई कैपिटल R, ये हो जाएगा बच्चों E माइनस R। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या बच्चों? कुछ कैंसिल हो रहा है, ER से ER गया। तो यहाँ पर जो मेरा TPT आएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो हो जाएगा ER स्मॉल r प्लस R। ठीक है, अब इस वैल्यू को मैं डायरेक्ट यहीं लिख देता हूँ, ठीक है ना, डायरेक्ट इसको मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ इसको, ठीक है, इस वाली वैल्यू को। तो डेल्टा AD तो निकाल सकते हो बेटा, डेल्टा AD कैसे निकालोगे, L लेंथ के लिए V, तो L2 के लिए कितना हो जाएगा ये, ठीक है, तो पिछले लेक्चर में अच्छी तरह से निकाले था। TPT कितना हो जाएगा ER R प्लस R2। इक्वेशन फर्स्ट किसको नाम दिया था, इसको, ये किसको दे दो, इक्वेशन सेकेंड, ये हो जाएगी बच्चों अपने पास में इक्वेशन सेकेंड। डिवाइड कर दें, आप डिवाइड कर दो फर्स्ट का सेकेंड में, फर्स्ट का सेकेंड में डिवाइड करोगे, VL से VL कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा L1 अपॉन L2। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या बचेगा आपके पास में E, और ये कितना होगा बच्चों ER, और ये हो जाएगा R प्लस ये, यहाँ E से E कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, ये सॉल्व कर लो इसको, L1 R, ये कितना हो जाएगा L2 R, ये हो जाएगा L2 R। तो यहाँ से जब आप R निकाल लोगे तो इसको इधर लेके आना पड़ेगा, L1 माइनस L2, ये R, मैं इसको इधर लेके आ गया, R कॉमन आ गया, और ये हो जाएगा L2। तो इस फॉर्मूले को मैं कहता हूँ डायरेक्ट याद कर लो, क्योंकि डेरिवेशन इसका बहुत लंबा है। ठीक है, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला आपके पास में आया स्मॉल R का फॉर्मूला क्या आया बच्चों, L1 माइनस L2 कैपिटल R अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, ये L2, ये फॉर्मूला आपके पास में आया L1 माइनस L2। ठीक है, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। इसमें L1 कौन सी लेंथ थी बच्चों, L1 वो लेंथ थी जब आपकी की क्या है, ओपन है, यानी कि जब आपकी की ओपन है वो वाली लेंथ, और L2 कौन सी लेंथ है, L2 वो लेंथ है जब आपकी की क्या है बच्चों, क्लोज है, आपकी की क्या है, क्लोज है। ठीक है ना, नोट कर लें बच्चों उसको। ठीक है, कर लिया इसको नोट। और रेजिस्टेंस बॉक्स मैं बता रहा था, एक रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, एक इस टाइप का एक बॉक्स होता है बच्चों, रेजिस्टेंस बॉक्स जो होता है एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें यहाँ पर आपके पास में रेजिस्टेंस लगे हुए रहते हैं, जो रेजिस्टेंस आपको लगाना है उसको लगा दो। जैसे मान लो मेरे को 15 ओम लगाना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ रहता है 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम। जैसे मेरे को 15 लगाना है तो 15 लगा हुआ रहेगा, बाकी को मैं खींच के बाहर निकाल दूंगा, रिमूव कर दूंगा मैं। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स जो है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 ओम। इस टाइप का होता है रेजिस्टेंस बॉक्स, आप लैब में जाओगे जब आप देखोगे। ठीक है, तो उसको नोट कर लिया बच्चों, फॉर्मूला गया L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। क्वेश्चन देखो, एक बैटरी यहाँ पर गिवन है बच्चों आपके पास में 40 वोल्ट की, एक रेजिस्टेंस गिवन है 4 ओम का, ये वायर है आपके पास में, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ के रखना, ये गैल्वेनोमीटर, और ये जो पॉइंट है ये अपने पास में वायर हो गया AB, ये वायर कितना हो गया बच्चों AB। ठीक है, और इनकी जो वैल्यू आपको गिवन है 10 2, एक 10 का है, एक 2 का है, एक 6 वोल्ट, एक ये 2 ओम के लिए। ठीक है, ये सेल है बच्चों, दानगना ये सेल है आपके पास में, ये 20, ये 2 ओम, ये 2 ओम का है। ठीक है, आपको फाइंड करना है एक्स, फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है, एक्स। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो, फाइंड एक्स एट नल डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसमें देखो बच्चों, 40 वोल्ट की बैटरी है, 4 ओम रेजिस्टेंस इसका हो गया, और ये आपको वायर गिवन है AB, AB वायर के साथ में कनेक्टेड है, साथ में 2 बैटरी यहाँ पर ये लगी हुई है, 10 6, ये 2,
तो पहले ये सेल वाला सर्किट को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ कि सेल वाले सर्किट को देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसको अगर मैं नया क्वेश्चन फॉर्मेट कर देता हूँ, देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इसको मैं अलग से सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखो कैसे मिलेंगे आपको, देखो ये 10 वोल्ट है, ये 2 ओम है बच्चों, ये कितना है 2 ओम है, ये कितना है 6 वोल्ट। इसमें वो आपसे क्या पूछेगा, या तो देखो वो आपसे ये पूछेगा फाइंड टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल, ठीक है, या फिर वो पूछेगा फाइंड वी एक्स माइनस, अच्छा एक्स लिया हुआ है क्या, एम ले लो, वी एम माइनस एन, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं एम नाम दे दूँ और ये वाला पॉइंट बेटा मैं इसको क्या नाम दे दूँ, एन दे दूँ। इसी सर्किट में को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये सेल का क्वेश्चन है, ये मान लो ये सर्किट दिया हुआ है, तो पहले तो इसको आइडेंटिफाई करो कि बच्चों ये सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों ये सीरीज कॉम्बिनेशन है क्योंकि देखो करंट पॉजिटिव से निकलेगी। सबसे पहले तो ये देखो करंट किसके अकॉर्डिंग चलेगी, जो बड़ा सेल है, बड़ा सेल कौन सा है बच्चों, बड़ा सेल ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, देखो करंट ऐसे निकलेगी यूँ फिर ऐसे यूँ होते यूँ ऐसे, तो देखो करंट ऐसे जा रही है, यहाँ से निकली पॉजिटिव टर्मिनल से फिर यूँ होते हुए गई। तो देखो करंट कहीं डिवाइड हो रही है क्या बच्चों, करंट कहीं पर भी डिवाइड नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये कौन सा कॉम्बिनेशन है बच्चों, ये सीरीज है, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है सीरीज। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन, मालूम चल गया। तो ये मैं कहता हूँ बच्चों मान लो E1 है, ये कितना है E1, ठीक है, ये बच्चों मैं कहता हूँ मान लो E2 है, ये मैं कहता हूँ R2 है, ये मैं कहता हूँ R1 है, ठीक है। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन में ये जो E1 एंड E2 है, अब वो देखो सपोर्ट कर रहे हैं कि अपोज कर रहे हैं, वो अपोज कर रहे हैं, कैसे मालूम चला कि ये तो कह रहा है करंट जो है क्लॉकवाइज फ्लो होगी, देखो पॉजिटिव अकॉर्डिंग, ठीक है, और ये बच्चों क्या कह रहा है नेगेटिव फ्लो होगी, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये रहा, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी, तो ये कह रहा है मेरे पॉजिटिव से करंट निकलेगी ऐसे जाएगी क्लॉकवाइज, ये कह रहा है पॉजिटिव से करंट निकलेगी ऐसे जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि दोनों बैटरी के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन अलग अलग है, एक कह रहा है क्लॉकवाइज एक कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब वो अपोज कर रहे हैं, और अपोज कर रहे हैं तो इसका मतलब इनमें जो करंट आएगी, ठीक है ना, करंट जो है आई वो आएगी बच्चों बड़ा माइनस छोटा अपॉन में क्या आएगा R1 प्लस R2। ये मैं सेल में आपको बता चुका हूँ 10 माइनस 6 और ये कितना हो जाएगा बच्चों 2 प्लस 2, तो करंट जो आएगी 4 अपॉन 4 कितना आएगा 1 एम्पियर, करंट कितना आएगा 1 एम्पियर, करंट कितने की आएगी इसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। उसके बाद में E1 जो सेल है बच्चों, E1 सेल जो है वो चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है, वो बच्चों डिस्चार्ज हो रहा है, कैसे मालूम चला कि ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है, पॉजिटिव से करंट निकल रही है, पॉजिटिव से करंट निकल रही है, ठीक है, इसका मतलब सेल डिस्चार्ज हो रहा है। जब सेल डिस्चार्ज होता है तो इसका जो TBT होता है, जब सेल डिस्चार्ज होता है तो इसका TBT जो होता है V=, वो होता है E+IR, जब डिस्चार्ज होता है तो यहाँ पर माइनस आता है, ठीक है, तो इसका TBT कितना हो जाएगा, ये 1R1, तो ये देखो कितना हो जाएगा बच्चों 10 माइनस 2 × 1 कितना हो जाएगा 8 वोल्ट, ठीक है। और E2 सेल देखो, E2 सेल बच्चों चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत बढ़िया बात है बच्चों, ये चार्ज हो रहा है, कैसे मालूम चला, पॉजिटिव के अंदर करंट जा रही है, इसमें देखो पॉजिटिव से निकल रही थी, इसमें पॉजिटिव से पॉजिटिव में जा रही है, तो ये सेल चार्ज हो रहा है, ये वाला सेल क्या हो रहा है चार्ज, तो इसका जो TBT आएगा वो कितना आएगा बच्चों E+IR, ये E2 ये R2 कितना हो गया बच्चों 6 × 1 × 2 कितना हो जाएगा 8 वोल्ट, यानी कि इसका जो TBT है वो भी कितना वोल्ट का है 8 वोल्ट का, और इसका जो TBT है वो भी कितने वोल्ट का है 8 वोल्ट का, दोनों का 8 वोल्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो कभी कभी आपसे ये पूछेगा कि M और N बताओ, तो इसको कैसे बताओगे बच्चों, देखो M और N को ये किरचॉफ लॉ से करना पड़ेगा आपको, ये जो है किरचॉफ लॉ से करना पड़ेगा, KVL से, किरचॉफ लॉ से, ठीक है, KVL से कर लेना। तो देखो मैं KVL से चला VM, इसका पोटेंशियल हो गया VM, KVL याद है, KVL किरचॉफ लॉ मैंने बताया था, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, KVL प्लस KCL दोनों मिला के मैं यूज़ कर रहा हूँ। देखो मैं M से चला, ठीक है, फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो गया +10, उसके बाद में देखो करंट फ्लो होती है प्लस से माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 × 1 = VN, ठीक है। देखो जिस पॉइंट से चलते हो उसका पोटेंशियल लिखो, पहले मैंने M से चला मैं, तो M का पोटेंशियल, फिर देखो माइनस से प्लस जा रहे हो, यानी कि आप लो से हाई जा रहे हो, तो डेल्टा V क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, +10 लिख दिया, फिर देखो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो,
यानी कि डेल्टा वी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो माइनस 2 इंटू 1 आई इंटू आर, ये कितना आया, आई इंटू आर आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू वी एन, ठीक है। तो अब इसमें देखो आपको क्या फाइंड करना है, वी एम माइनस वी एन फाइंड करना है, तो बच्चों वो कितना आएगा, माइनस का 8 वोल्ट, माइनस का 8 वोल्ट। आप चाहो तो ऐसे चल लो, आप चाहो तो इस वाले सेल से भी फाइंड कर सकते हो, ध्यान रखना इस वाले सेल से भी बच्चों फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे भी आप फाइंड कर सकते हो। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने एक आईआईटी का आपको दिया था, मैंने कहा सेल आएगा तब पढ़ेंगे, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवा दिया है, ठीक है ना। करंट कैसे निकालोगे, टीबीटी इवन कैसे निकालोगे, चार्जिंग है डिस्चार्जिंग है, और ये किरचॉफ लॉ, ये ध्यान में रखना, किरचॉफ लॉ कैसे अप्लाई करोगे। एक बार इस इतने से को नोट कर लो, इसको नोट कर लो, ये वाला अलग से क्वेश्चन बना दिया मैंने इसका। तो देखो अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे फाइंड करूँगा, आपको रेजिस्टेंस शायद गिवन होगा आर ए बी का 6 ओम है, इसमें एक डाटा और लिख लेना कि ये जो है, ये इसका जो रेजिस्टेंस है वो आर ए बी वो 6 ओम है, और ये जो लेंथ है ये 10 मीटर है। तो सबसे पहले देखो इससे करंट निकलेगी आई, पॉजिटिव टर्मिनल है भाई, प्राइमरी सर्किट होता है ये, प्राइमरी सर्किट में तो करंट फ्लो होगी होगी, ठीक है, प्राइमरी सर्किट में तो भैया करंट फ्लो होगी होगी, इसमें करंट निकली, करंट ऐसे गई आई, तो इसके करंट निकालता हूँ। देखो मैं पहले कितने वोल्ट की बैटरी है बच्चों, 40 की, इसका रेजिस्टेंस कितना 4, बच्चों इसका रेजिस्टेंस कितना है इस वायर का 6, तो करंट कितनी हो जाएगी 4 एम्पियर, कितनी हो जाएगी 4 एम्पियर। अब मैं निकालता हूँ डेल्टा ए बी, यानी कि ए बी को कितना मिलेगा, ए बी को 40 थोड़ी मिलेगा भाई साहब, 40 वोल्ट की तो बैटरी है, 40 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है ना, इसको कितना मिलेगा, आप ये देखो कि इसको कितना मिलेगा बच्चों, बताओ बच्चों इसको कितना मिलेगा, इसको मिलेगा देखो करंट कितनी जा रही है इसमें, करंट कितनी आई 4 एम्पियर की, तो 4 इंटू 4 16 वोल्ट, तो इसको मिलेगा भाई 4 एम्पियर की करंट जा रही है, 4 इसका रेजिस्टेंस है, 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, तो 40 की बैटरी लगाई 16 ये खा गया, बाकी बच्चा कितना 24, यानी कि ए बी कितना होगा 24। उसके बाद में ये जो पॉइंट आपको मिला, ठीक है, उसके बाद में आपको ये पता चल गया कि ये जो ए बी वायर है ना पूरा, इस पूरे ए बी वायर पर 24 का ड्रॉप हो रहा है, ये सी पॉइंट है, ठीक है ना, इस सी पॉइंट पर ये ए और सी, सी पॉइंट पर इसमें करंट जीरो है इस वाले सर्किट में, ठीक है ना, इसमें तो करंट फ्लो होगी, इसमें तो करंट जाएगी, सेकेंडरी है इसमें करंट फ्लो होगी, क्योंकि देखो कहीं पर भी की नहीं है, अगर की होती तो की क्लोज होती, देखो इसमें तो करंट फ्लो होगी, ठीक है ना, इसमें जो अपने करंट निकाली थी वहाँ पर डायग्राम है, इसमें करंट ऐसे फ्लो होगी बस यूँ, इस वाले में सर्किट में डाल देना करंट जीरो होगी, इस वायर में करंट नहीं जाएगी, कंप्लीट सर्किट नहीं है ये, अनकम्प्लीट सर्किट है, तो इसमें करंट जाएगी, और अपन कैसे लिखेंगे, डेल्टा ए सी, यानी कि ए और सी जो है, ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट पर नल पॉइंट मिला है आपको, नल डिफ्लेक्शन कहाँ पर मिला, सी पर, तो ये जो ए सी होगा ये इस 8 वोल्ट के बराबर होगा, देखो ये ए सी, ये 8 वोल्ट, ये 8 वोल्ट, ये 8 वोल्ट, तीनों देखो पैरेलल में है कि नहीं है, तो बच्चों ये कितना होगा 8 वोल्ट के। अब एसी कैसे निकालेंगे, वी एल एल वन, और ये कितना हो जाएगा 8 वोल्ट, तो वी कितना है टोटल, वी यानी कि इस ए बी को कितना मिल रहा है, वो वी है इस बार, ये वी ध्यान रखना कितना है अपने पास में, वी वी ए बी है बच्चों ये, क्योंकि ये पूरा ए बी है भाई साहब, देखो वी एसी, वी वी डेल्टा एसी कैसे निकालोगे, ठीक है कन्फ्यूज मत होना, अच्छी तो निकालेंगे भाई 10 मीटर पर पोटेंशियल ड्रॉप, ये पूरा 10 मीटर है, ये 10 मीटर पर देखो कितना ड्रॉप करा रहे हो, ए बी कितना है 24, तो बच्चों एक पर कितना होगा 24/10, और तो x पर कितना होगा, वो होगा अपने पास में AC, वो जाएगा 24 इंटू 10 इंटू एक्स, हाँ या ना भाई, 10 पर 24 करा रहे हो, 10 मीटर पर 10 मीटर पर 24 हो रहा है, तो एक पर कितना होगा 24/10, तो x पर कितना होगा ये AC, और ये AC बच्चों देखो कितने के इक्वल होगा 8 के, तो यहाँ पर आपके पास में x आ जाएगा 8 इंटू 10 इंटू 24, ये कैंसिल हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 3.33 मीटर, ये बच्चों अपने पास में फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी कि x जो आपके पास में आएगा ये आएगा 3.33 मीटर, ठीक है बच्चों समझ गए, तो ये आपके पास में x आ जाएगा। तो ये पोटेंशियोमीटर की लास्ट एप्लीकेशन थी अपने पास में, और इस चैप्टर को बच्चों मैं यहीं पर एंड करता हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपका यहीं एंड होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कोई पोर्शन अपना बाकी नहीं है, ठीक है ना, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, सारे के सारे पोर्शन अपने सेल वेल सब कुछ हो गया, ठीक है ना, सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दिए,
ठीक है। तो ये जो सीरीज है करंट इलेक्ट्रिसिटी की, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज यहीं एंड होती है। नेक्स्ट चैप्टर जो अपन स्टार्ट करेंगे वो करेंगे मैग्नेटिक, ठीक है ना। उसमें पहला चैप्टर लेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कौन सा लेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है ना। इसके नोट्स, इसकी डीपीपी साथ में आपको मिल जाएगी, डीपीपी सोल्व करें, नोट्स सोल्व करें, ठीक है ना। जितना हो सके कंसेप्ट अप्लाई करें, ठीक है बच्चों, पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।